हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में और मैं हूं संजय। और आप देख सकते हैं मैं अभी घर पे हूं और मैं करने जा रहा हूं यहां पे पेंट, एक किस्म से डैम प्रूफ का वो होता है ना पेंट, वो करने जा रहा हूं यहां पे। तो मैंने कल छत को सफाई कर दिया है यहां पे, तो ये देख सकते हैं ये छत मैंने क्लीन कर दिया है यहाँ पे। इसमें बहुत सारा कचरा निकला कल और अभी मैं इसमें करूँगा डैम प्रूफ का कोडिंग, जिससे पानी लीकेज ना हो इसमें। तो इसको मैंने साफ़ कर दिया है यहाँ पे और ये बरसात का पानी रुका है थोड़ा सा, वो भी हटाऊँगा अभी। और फिर काफ़ी गंदा हो रखा है छत पूरा। और ये है हमारा घर। और ये सामने के घर हैं हमारे। और दोस्तों, जो डैम प्रूफ होता है वो मैं करने जा रहा हूँ इस छत पे। और उसको मतलब करने का तरीका ये है कि उसमें प्लास्टिक की कोटिंग होगी और उसमें मैंने तीन लीटर डैम प्रूफ डाला फिलहाल और 1 लीटर पानी का वो रखा उसमें, ठीक है। तो एकदम से पूरा नहीं डालना, आपको दिखाता हूँ मैं। और ये है बर्जर पेंट का डैम प्रूफ और इसको मैंने 3 लीटर डाला इसमें। फर्स्ट कोडिंग होगी इस पर पहले फर्स्ट कोडिंग में 3 लीटर डाल के और 1 लीटर पानी डाल के इसको अच्छे से हिलाना है। और मैंने इसमें ग्रीन कलर भी ऐड किया थोड़ा सा, नहीं तो एकदम से वाइट हो रहा था ये। तो इसके बाद मैं इसे स्टार्ट कर दूंगा लगाना फर्स्ट कोट। और फर्स्ट कोट सो फाइनली दोस्तों ये कंप्लीट हो चुका है सिंगल कोट इस पर। और अब करेंगे इस पर डबल कोट। कल थोड़ा सूखने देते हैं इसको पूरा अच्छे से। इसको सूखने के लिए 4 से 5 घंटे तक छोड़ देना है, पूरा अच्छे से सूख जाएगा। उसके बाद फिर इस पर डबल लेयर करेंगे, कल करेंगे सीधा अब, है ना। और बाकी जहाँ जहाँ वो होगा डैमेज होगा, जैसे यहाँ पे क्रैक आ रखे हैं, तो इसमें वाइट सीमेंट का वो करूँगा मैं, इसमें वाइट सीमेंट। और जैसे वो क्रैक आ रखे हैं वहाँ पे, तो वाइट सीमेंट लगा के फिर दोबारा इसमें दूसरा कोट करना है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही। और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, लाइक, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।